आज भी मेरी माँ अनपढ़ है, मैं उसको एक रोटी मांगता हूँ और वो दो लेके आती। हाँ फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से होती है हमारी माँ। माँ सबका जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मेरे लिए रोटी करना याद है, मेरे लिए चूली में हाथों को जलाना याद है। मैं यदि खाना नहीं खाऊँ तो तेरी गाली करके खिलाना याद है। मेरे को पता ना चले घर की समस्या, इसीलिए तेरा झूठा हंस हंसना आज भी याद है। मैं जब जा रहा था परदेश को, मेरी माँ मेरे लिए तुम कितना रोई थी वो आज भी याद है। जिंदगी के रास्ते में तुम इतने आगे निकल जाते हो कि तुम नया नया फ्रेंड बनाते हो, नया नया रिलेशन बनाते हो। तुम इतने आगे निकल जाते हो कि अपनी माँ को फोन करके ये तक नहीं पूछते हो कि माँ तेरी तबीयत कैसी है। हमेशा याद रखना, यदि पूरी दुनिया आपके साथ छोड़ देना, तब भी तुम्हारी माँ तुम्हारी साथ खड़ी होगी। माँ हमेशा तुम्हारा भला चाहता है, इसीलिए तो लोग कहते हैं मेरी जीवन में कभी भी दुख और कष्ट नहीं होता, यदि मेरी भाग्य लिखने वाला मेरी माँ होता तो। इसीलिए तो एज कोई भी हो, छोटी सी घाव होती है तो पहला शब्द निकलता है माँ। दुनिया में सिर्फ माँ और माँ ही ऐसा कर सकती है, जो कि 365 दिन बिना छुट्टी और बिना पगार में काम कर ले। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया क्या बोलती है, मैं सबसे सुंदर हूँ ये सिर्फ मेरी माँ बोलती है। दिन भर काम करके आने के बाद दोस्त पूछते हैं कितना कमाया, वाइफ पूछता है कितना बचाया, बेटा पूछता है मेरे लिए क्या लाए। सिर्फ माँ और माँ ही ऐसा बोलती है कि बेटा आज तूने खाना खाया। बहुत दोस्त फिर भी मेरे माँ मेरे को अच्छा बोलती हैं। जिसने तुमको 9 महीने कोख में, 3 बरस हाथ में और पूरी जिंदगी अपनी हृदय में जगा दी है ना, उसको कभी भी दुख मत देना। फ्रेंड्स, यदि तुम मेरे बातों पर थोड़ा भी सहमत हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर लड़का या लड़की के पास ये वीडियो होना चाहिए। यदि मेरी चैनल में आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। यदि बहुत दिन से आप अपनी माँ से बात नहीं की है तो आज फ़ोन करो और अभी फ़ोन करो और फ़ोन करके बोलो माँ आई लव यू।